ये कहानी है 58 साल की रितु चोपड़ा की, जो एडवेंचरस मम्मा के नाम से फेमस थी, जो 13,500 फुट तक की सोलो उड़ान भरती थी। कैनवास पर चित्र उकेरने वाली आर्टिस्ट ने 50 साल की उम्र के बाद पैराग्लाइडिंग सीखने की ठानी। 2015 में मैरिज एनिवर्सरी के दिन पति को लेकर मुंबई पुणे के बीच पैराग्लाइडिंग सीखने गई और वापस पायलट बनकर लौटी। इसके बाद वह पलक झपकते ही पहाड़ और आसमान नापने लगी। खास बात यह है कि उनके साथ में पति, बेटा और बहू भी उड़ान भरने लगे। इस तरह ये देश की इकलौती ऐसी फैमिली बन गई जिसका हर सदस्य पैराग्लाइडिंग पायलट था। परिवार को पैराग्लाइडिंग की दुनिया में नाम मिला द फ्लाइंग फैमिली, और रितु चोपड़ा ने अपना नाम रख लिया एडवेंचरस मम्मा। रितु की हिमाचल के बीड़ बिलिंग में रविवार को पैराग्लाइडिंग के दौरान ग्लाइडर क्रैश होने की वजह से मौत हो गई। रितु के पति आशुतोष चंद्र चोपड़ा ने भी रविवार को सोलो उड़ान भरी थी। आशुतोष एयरफोर्स में 23 साल तक फाइटर पायलट थे। उन्होंने बताया कि घटना के समय वह रितु से महज 200 मीटर की दूरी पर थे। वहीं पर उन्होंने भी लैंडिंग की। हादसे के बाद इलाज के लिए एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर मंगवाया गया, लेकिन देर हो चुकी थी। रितु चोपड़ा नोएडा के सेक्टर 25 में रहती थी।